हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर नहीं करूंगी। ये जो रेसिपी शेयर करेंगे ये मेरे हस्बैंड आपके साथ करेंगे। ये इनका फेवरेट पराठा है और यही इसको बनाते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हम सब बनाते हैं मिक्स वेज पराठा। इसके लिए सबसे पहले अनियन लेंगे, ग्रेट किया हुआ कॉलीफ्लावर, फाइनली चॉप्ड ग्रीन कोरिएंडर, चॉप किया हुआ स्पेनिच, ग्रेट किया हुआ टोमेटो, ग्रेट किया हुआ थोड़ा सा कैरेट, ग्रेट किया हुआ पोटैटो, फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिली, क्रश किया हुआ जिंजर। अब इन सभी वेजिटेबल्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी तब हम इसमें थोड़ा सा अजीनोमोटो डालेंगे। आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, आपको अगर ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने बहुत ही थोड़ा सा अजीनोमोटो डाला है। अब इसमें लाइट सोया सॉस 1 टीस्पून डालेंगे। आपके पास डार्क सोया सॉस हो आप वो भी डाल सकते हैं। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम गेहूं का आटा मिलाएंगे। वो हम इतना मिलाएंगे कि हमारी सब्जियां जो है गेहूं के आटे से अच्छे से मिल जाए और उसका एक अच्छा सा डो बन जाए। अभी इसमें पानी नहीं डालेंगे, सारी सब्जियों को आटे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उस पानी जो सब्जियों ने छोड़ा है उस पानी में ही हम पहले आटे को मिलाने की कोशिश करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर ही पानी को मिलाएंगे। सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे और अब हम इस आटे को गूंदेंगे। जब ये सारा आटा अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब हम इसमें 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डालेंगे। आप कोई भी रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और इसको अच्छे से गूंद कर एक अच्छा सा डो बना लेंगे। अच्छा सा सॉफ्ट डो देखिए बन गया है। अब इसको कम से कम 15 मिनट्स के लिए सेट होने के लिए रख देंगे और जब इसको हम रखेंगे तब इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा देंगे। ये पराठा जो बेला है ये जो नॉर्मल पराठा हम बनाते हैं उससे थोड़ा ये मोटा पराठा है, इसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा है। अब पराठे को सेकने के लिए तवा गर्म करके हम उस पर ऑयल लगा देते हैं। अब इस पर पराठा डाल देंगे और पराठे को हम मीडियम और मीडियम लो फ्लेम पर हम क्रिस्प होने तक अच्छे से सेकेंगे। इस पर ऑयल दोनों साइड लगाएंगे। दोनों साइड ऑयल लगाने के बाद हम इसके किनारों पे देखिए इस तरीके से धीरे धीरे करके हम ऑयल डालेंगे जिससे ये बहुत अच्छे से सिक जाए, क्योंकि ये थोड़ा मोटा पराठा है और सिकने में थोड़ा टाइम लेता है। इसके किनारों पर हम थोड़ी थोड़ी देर बाद थोड़ा थोड़ा ऑयल डालेंगे और सारे पराठे हम इसी तरीके से सेक लेंगे। ये पराठा हमारा करीब बनके तैयार है। अब मैं आपको वो पराठा दिखाऊंगी जो मेरे हस्बैंड बनाते हैं और वो कितना बड़ा पराठा होता है और कितना मोटा होता है वो आप देखिएगा। ये देखिए ये कितना बड़ा पराठा है और इसकी थिकनेस करीब 1.5 सेंटीमीटर है। ये इरेगुलर ज़रूर है थोड़ा, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी है। इतना टेस्टी लगता है खाने में, आप इसको एक बार बनाएंगे तो आई एम श्योर कि आप इसको बार बार ज़रूर बनाएंगे। इसको हम पलट देंगे और इसके भी हम किनारों पर जैसे हमने पहले ऑयल डाला था वैसे ही ऑयल डाल के हम इसको सेकेंगे और इस ऑयल को भी हम इसमें कई बार थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। इसमें क्योंकि बहुत सारी वेजिटेबल्स पड़ी हुई हैं तो ये इतना मोटा होने के बाद भी ये बहुत अच्छे से अंदर से सिक जाता है और बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाता है।
अब ये पराठा हमारा बनके करीब करीब तैयार है। अब हम इसको सर्व करते हैं। मैं इस पराठे को बटर के साथ सर्व करती हूँ। बटर के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आप चाहें तो इसको हरी चटनी के साथ या अचार के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।